नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एम देवांगन व्लॉग के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, नए दिन नए काम की शुरुआत आज हो चुकी है। आज हम बनाने वाले हैं एक जोधपुरी कोट या तो राजस्थानी कोट, जो भी बोल लो, दोनों नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जोधपुरी कोट होता है जो सामने 5 बटा रहता है, तो वही जोधपुरी कोट होता है, तो उसी को आज हम बनाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आपको मैं वो कपड़ा दिखा देता हूँ जिस कपड़े का कोट आज हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वो कपड़ा है जिस कपड़े का कोट आज हम बनाने वाले हैं। इसी कपड़े का बनेगा जोधपुरी कोट। दोस्तों, जब ये कोट पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कोट कैसे लगता है बनने के बाद में, और जो ग्राहक आ जाएंगे उसको पहना के दिखाऊंगा ग्राहक पहनने के बाद कैसे दिखते हैं, ये कोट कैसे लगता है। तो बस दोस्तों, आज के डेट में यही एक काम था, ये एक जोधपुरी कोट बनाना है और इस काले कपड़े का एक जैकेट बनाना है। तो आज के लिए तो बस यही काम है, उसके बाद तो कल के लिए अभी तक के तो काम नहीं है। ये जो काम है, ये जो कोट है, उसे तो इसमें टाइम है, अभी इसको आराम से बनाना है। तो बस यही काम है आज के लिए। दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम नॉर्मल हो गया है, काम ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी शादी का सीजन नहीं है। शादी का सीजन है लेकिन डेट नहीं है। जो शादी था वो पूरा वो जनवरी फरवरी के मतलब बीच तक के और दिसंबर तक के था शादी। जनवरी के बाद, उसके बाद फरवरी आधा निकलने के बाद अभी शादी नहीं है। उसके बाद जो मार्च आने वाला है उसमें शादी शायद बिल्कुल नहीं है। जो शादी रहेगा वो होली के बाद रहेगा, अप्रैल में रहेगा। तो अप्रैल तक के अभी तो काम ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा, एक दो बस हफ्ते में एक दो ऐसा कोट बनते रहेगा, एकदम ज़्यादा हैवी काम अभी नहीं रहेगा। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब करते हैं काम, जब वो कोट बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ग्राहक आके नहीं लेके गए तो, अगर लेके चले गए तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।